गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आज की वाली वीडियो थोड़ी अलग होगी बिकॉज ये वाली वीडियो में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है परसों ट्वेंटी फिफ्थ को तो वही मैं शेयर करूंगा आपके साथ आप लोगों के साथ तो ये बेसिकली मेरे अमेजोन अफिलियट अकाउंट के ऊपर है तो यार उसी के ऊपर शेयर करना है आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मैं फील कर रहा हूँ अभी मतलब ये एक दो दिन थोड़ा डाउन चल रहा था मेरा लाइफ में मतलब वैसा नहीं मतलब थोड़ा मूड ख़राब था तो अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो पूरा देख लेना यार तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था आप लोग समझ पाओगे थोड़ा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कर देना हाँ वो आप लोगों के हाथ में है पूरा कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे या फिर अनसब्सक्राइब करोगे लेकिन यार ये मैंने नोटिस किया है कि कभी कभी जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ तो कुछ कुछ बंदे हैं कुछ लोग हैं तो जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं हाँ बाद में अच्छे बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं पर आप लोग समझ ही सकते हो ऐसा पूरा तो हाँ आप लोग कर ही सकते हो अनसब्सक्राइब लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार मत करो छोटा स्टार्टिंग यूट्यूबर हूँ यूट्यूबर नहीं बोल सकते स्टार्ट कर रहा हूँ तो यार थोड़ा सपोर्ट करो सो so, ये इंसिडेंट ट्वेंटी फिफ्थ को हुआ था मेरे साथ सुबह तो यार मैं सो के उठा था सुबह और साढ़े अराउंड साढ़े दस को मेरे को मेरे पास एक मेल आया अमेजोन associates से जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ट्राई कर रहा था अमेजोन का जो एफ मार्केटिंग है वो वाला तो बेसिकली मैं अपने वीडियोज़ में लिंक्स देता था और किसी को अगर कुछ ख़रीदना हो लैपटॉप या कुछ अलग चीज़ तो बेसिकली अगर वो मेरे लिंक से ख़रीदते तो मेरे को एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता था तो वैसे करके कुछ कुछ भाई लोगों मतलब कुछ भाई लोग ने यार एक शायद से एक लैपटॉप खरीदा था और कुछ किसी ने कुछ और भी कुछ ख़रीदा था तो उससे मेरे को अराउंड साढ़े तीन हज़ार रुपये मेरे को मिला था अराउंड साढ़े तीन हज़ार रुपये तो बेसिकली आप लोगों को पैसा अभी नहीं मिलता एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके बाद आप लोगों को पैसा मिलता है शायद से एक महीना या डेढ़ महीने के बाद तो वो स्टैटिस्टिक्स में दिखाता है सिर्फ कि आप लोग अर्न क्या किया उसके बाद पेमेंट बाद में मिलता है तो अराउंड मेरे को साढ़े तीन हज़ार रुपये अर्निंग हुआ था मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स दिखा नहीं सकता मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों नहीं दिखा सकता उसके बाद सुबह मैं उठा तो मेरे पास ये मेल आया अमेजोन से कि आपका जो अफिलट आईडी है वो हमने रिव्यू किया है लेकिन वो रिव्यू में एकदम फुल नहीं मतलब क्या फुलफिल नहीं कर पाया आपका जो यूट्यूब चैनल है एज़ यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ योर साइट ये वाला दज नॉट मीट आवर सोशल नेटवर्क स्टैंडर्ड्स विच कैन बी फाउंड हीयर सो उन्होंने मेरा जो अकाउंट है वो पूरा परमानेंट क्लोज कर दिया है बिकॉज मेरे को जो लगता है मेरे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है या फिर उतने फॉलोअर नहीं है बेसिकली मैं यूट्यूब चैनल से ही वो कर रहा था मेरे पास इंस्टाग्राम भी वैसा नहीं और फेसबुक हैंडल भी नहीं है इंस्टाग्राम जो आप लोग को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था सिर्फ वही वाला है अभी मेरे पास और जो पर्सनल वाला है वो अभी मेरे पास मतलब डीएक्टिवेटेड है तो उसका बात हम लोग छोड़ देते लेकिन इन्होंने मतलब मेरा पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया पूरा क्लोज तो उस अकाउंट में मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स थे मतलब मैंने क्या बेचा या फिर एक दिन में कितने क्लिक हुए थे मेरे लिंक पे या फिर पूरा मेरा जो पूरा एक अमाउंट है कितना अमाउंट मिला था मेरे को उनसे पूरा पे मतलब पूरा अकाउंट ही मेरा डिलीट कर दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एज अ रिजल्ट वी हैव क्लोज द अकाउंट अंदर विच यू हैड बिन टेम्पोरि अप्रूव्ड मतलब ठीक है यार मानता हूँ कि मेरे पास उतने सब्सक्राइबर नहीं है छोटा यूट्यूबर भी नहीं बोल सकता मतलब छोटा एक बंदा वो स्टार्ट किया हूँ किसी तरह से कि कुछ यार जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को मतलब थोड़ा हेल्प हो या फिर जो मेरे को आता है वो स्किल थोड़ा यूज़ करूँ तो बंदा तो कुछ सोच के ही करेगा ना कि हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन रख के करेगा कि यार बाद में कुछ हो सकता है पर ऐसा मतलब ठीक है मानता तो, हूँ सब्सक्राइबर नहीं इसीलिए अकाउंट डिलीट कर दिए मतलब पूरा डिलीट कर दोगे मेरे पास अपना स्टैटिस्टिक्स भी देखने नहीं दोगे तो उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि किसको एक्सेस करूं मैंने उनको मेल भेजा दो तीन मेल भेजा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे कि आई हैव रियली वर्क हार्ड फॉर द सेल्स मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ पूरा मतलब अकाउंट डिलीट कर दिया मेरा मतलब एटलीस्ट स्टैटिस्टिक्स तो रखते तो मैं बहुत टेंशन में था कि ठीक है चलो अभी अकाउंट डिलीट हो गया और कुछ नहीं कर सकते लेकिन मेरा जो हक का इनकम है जो मतलब भाई लोग या मेरे व्यूअर्स जो मेरे बात सुन के मेरे लिंक से जो चीज़ लिए है तो उस वो तो मेरे हक का है ना कि वो मैं किसी को मतलब सेल किया हुआ अगर आप वैसे पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो तो उसका हक का पैसा तो मिलना चाहिए तो उसके लिए मैं बहुत डिप्रेस था मतलब डिप्रेस नहीं मतलब यार एक टेंशन टाइप का होता है ना यार तुम इतना वर्क मतलब हार्ड वर्क किया उसके ऊपर उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट किए हो जिससे तुम लोग को एक पैसा मतलब मिलता है एक्सपेक्टेशन था तो वैसा एक झटका में पूरा अकाउंट डिलीट कर दिए फिर क्या बोले स्टैटिस्टिक्स भी डिलीट कर दिए तो वैसा कैसे चलेगा मैंने उन लोगों को तीन चार मेल भेजे थे और उनके जो ऑफिशियल अमेजोन एसोसिएट का जो कॉन्टैक्ट आज का जो फोरम है तो वहाँ पर भी मैंने एक मेल किया था तो मेरे को कल ये ई आया कि हाँ आपका जो अकाउंट है वो पूरा रिजेक्ट हो गया तो वो पूरा डिलीट हो चुका है वो आप बाद में मतलब और उसका एक्सेस ही नहीं कर पाओगे पूरा मतलब डिलीट लेकिन आपके जो अर्निंग है वो आप लोगों को साठ दिन के अंदर मिल जाएंगे तो एक ठीक है यार कि अर्निंग मिल जाएगा मतलब उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं मतलब मेरे जैसे यार मैं अगर फ्रैंकली फ्र, बताऊँ तो मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ कॉलेज का इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इसी में तो मेरे लिए ये अमाउंट ही बहुत है यार मतलब इसी से मैं मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जो मैं इनकम करना चाहता हूँ अपने लिए वैसा नहीं है मैं इसीलिए सब कुछ ट्राई कर रहा था कि एक एक्सपेक्टेशन सबका रहता है ना कि यार मैं अगर इतना हार्ड वर्क करूँ ये सब करूँ तो बाद में मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा था कि यूट्यूब से तो अभी इनकम छोड़ दो यूट्यूब से अभी नहीं होगा तो एफिलियट मार्केटिंग से अगर साइड इनकम थोड़ा बहुत हो जाए तो मेरा पार्ट टाइम का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा तो घर से थोड़ा कम पैसा लेना पड़ेगा उसके साथ मैं आप लोगों के लिए बाद में जो है अभी तो स्मॉल गिव अवे हो रहा है तो मैंने प्लान किया था कि बाद में अच्छा गिव अवे करूँगा कुछ अच्छा चीज़ दूंगा या फिर थोड़ा अच्छा अमाउंट दूंगा गिव अवे में और आप लोग समझ ही सकते हैं कि थोड़ा अगर पैसा रहेगा एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट तो बाद में कंटेंट भी फ्यूचर में अच्छा बनेगा लाइक अगर मैं एक, मैंने प्लान किया था कि एक माइक लूँगा छः सात सौ रुपये का अच्छा वाला इस इन, इनकम से क्योंकि घर से तो पैसा नहीं ले सकता वैसे ऐसे ही लैपटॉप ले लिया पैसा और कितना मतलब समझ पा रहे हैं ना कि घर से कितना लेंगे पैसा तो खुद का भी तो ज़रूरी है ना तो मैं सोचा था है कि माइक लो ले कर एक थोड़ा कंटेंट इंप्रूव करूंगा क्योंकि पता है मेरे को कि बहुत जन बोल रहे हैं कि थोड़ा आपका भैया ऑडियो में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हाँ यार मैं लैपटॉप के माइक से और जो मेरे पास जो मोबाइल का जो ईयरफोन है उससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस तो हाँ मेरे को खुद पता है प्रॉब्लम होता है लेकिन यार इसी वजह से मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा इनकम हो जाए तो बाद में अगर कूलिंग पैड भी लूँ तो उसका एक रिव्यू दे सकूँ मतलब कंटेंट बाद में अच्छा बनाऊँ इसीलिए ट्राई कर रहा था होता है ना यार मिडिल क्लास बंदों एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ कुछ करके कुछ अगर पैसा अगर आ जाए तो बाद में कुछ अच्छा चीज़ कर सकते हैं कॉन्टेंट अच्छा बना सकते हैं खुद का मतलब जो लिविंग है वो थोड़ा ठीक हो सकता है लाइक घर से कॉलेज में थोड़ा कम पैसा लेना पड़ेगा खुद से थोड़ा खर्चा कर पाएंगे तो इसी वैसा ट्राई कर रहे थे ठीक है यार अभी जब अकाउंट बंद हो गया तो और क्या करें अभी बाद में ट्राई करेंगे आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो ट्राई करेंगे कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए बाद में तो बेसिकली मैंने रिसर्च किया था कि 500 सब्सक्राइबर या 500 सौ से अगर हो गए तो आप एलिजिबल है तो अब बाद में जब होगा अगर 500 तब देखेंगे ट्राई करके देखेंगे या फिर इंस्टाग्राम का अगर कुछ हुआ मेरा जो अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट करके रखा वो एक एक्टिवेट करके वो ट्राई करके देखेंगे क्या होता है तो यही मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेरे साथ ये परसों हुआ है मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा तो किसके साथ करूँगा तो यही यार तो थोड़ा सपोर्ट करना यार चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना ऐसा नहीं कि इमोशनल कर रहा हो बंदा मतलब समझ पा रहे हैं मतलब क्या जा रहा है मेरे ऊपर अभी इतना हार्डवर्क करके इतना कुछ किया तो कुछ आउटकम नहीं मिला इंस्टेंट जो हार्डवर्क था मतलब पूरा पानी में बह गया वैसा टाइप का फीलिंग तो यार देखो अगर तो वीडियोस अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को थोड़ा लाइक like, शेयर भी कर देना तो जब तुम लोग सब्सक्राइब या लाइक करते हो तो मेरा जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन तो हंड्रेड हो जाता है और जब ये सब ऐसे ईमेल आते हैं तब मोटिवेशन डिवाइडेड बाय हंड्रेड हो जाता है पता है थोड़ा कॉपीड जोक है बट ठीक है ठीक है कोई बात नहीं तो चलिए यार वीडियो हम अभी यहीं पे ख़त्म करेंगे नेक्स्ट इस वाली वीडियो में हम लोग मिलेंगे अच्छा देखते हैं अगर कंटेंट कुछ अच्छा बना सकूँ तो थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ बाकी चीज़ों के ऊपर तो नेक्स्ट इस वाली वीडियो में जल्दी मिलेंगे और अगर एफिलियट मार्केटिंग फिर से अगर हो गया तो अच्छा